हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा न्यू पैटर्न के कुछ इंग्लिश क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस सभी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी LIC क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो उस एग्ज़ाम के लिए, IBPS क्लर्क के लिए, IBPS PO1 SO के लिए ये क्वेश्चंस हाईली इंपॉर्टेंट रहेंगे। डेली मैं वीडियो क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ इस चैनल पर, इसलिए इस चैनल पर यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। डेली मैं वीडियो क्लासेस इस चैनल पर अपलोड करता हूँ इंग्लिश सेक्शन की। और यदि आप फ्री कंटेंट या फ्री ई बुक्स लेना चाहते हैं तो इस साइट से ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, ये फिलर्स के क्वेश्चंस हैं और मैं सारी वीडियो क्लासेस में रियल क्वेश्चंस ही लेता हूँ, और स्मार्ट ट्रिक्स से आपको सॉल्व करना बताता हूँ। ट्रिक्स बेसिकली कुछ नहीं होती, ट्रिक्स लॉजिक्स होते हैं, और एग्जामिनर भी आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप लॉजिक को किस तरीके से क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, आपकी लॉजिकल रीजनिंग को टेस्ट किया जाता है। अब देखिए, बैंकिंग सेक्टर में जो क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस, 90% क्वेश्चंस नॉर्मली टेक्निकल होते हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी एस्पिरेंट्स हों उनको उनको सभी कॉन्टेक्स्ट पता हो, उस वर्ड का मीनिंग पता हो, या उसके या काफ़ी अच्छी टेक्निकल नॉलेज हो। इसलिए यदि आपको क्वेश्चंस का मीनिंग समझ में नहीं आता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके बावजूद भी उस क्वेश्चन का सही आंसर आप निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ से इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, सपोज यहाँ से आपने इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, आपने केवल यहाँ पर देखा, तो हैज़ लगा हुआ है, तो हैज़ के साथ यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आ सकती है। देखिए, इन क्वेश्चंस में करना क्या है, इन दोनों क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चंस में इन वर्ड्स में से एक ऐसा वर्ड आपको पिक करना है जो इन दोनों सेंटेंसेस पर ही लॉजिकली फिट होना चाहिए, कॉन्टेक्चुअली फिट होना चाहिए और ग्रामेटिकली फिट होना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पर हैज़ लगा हुआ है तो यहाँ पर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आ सकती है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल स्लिप्ड है, वर्ब भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। अब कंप्लाइंस, देखिए कंप्लाइंस का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करना या रूल्स एंड रेगुलेशंस को ऑबे करना, तो कंप्लाइंस एक नाउन है। क्रिप्टिक एक एडजेक्टिव है, फिकल एक एडजेक्टिव है। फिकल का मतलब होता है जो स्टेबल नहीं है, क्रिप्टिक मतलब जो जिसकी कोडिंग की गई है। तो ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, जिसे हम बोलते हैं फिकल माइंडेड पर्सन, ठीक है। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक सॉल्यूशन या कुछ भी, क्रिप्टिक कोड या कुछ भी बोल सकते हैं। क्रिप्टिक का मतलब जिसको कोडिंग की गई है। कंप्लाइंस एक नाउन है, स्लिप्ड एक वर्ब है, और वर्ब भी कैसी है, थर्ड फॉर्म की वर्ब है, यानी यहाँ पर स्लिप्ड के अलावा और कुछ वर्ड नहीं आ सकता, ठीक है। अब चूंकि स्लिप्ड इसमें आ रहा है तो स्लिप्ड यहाँ पर भी अप्रोप्रिएट रहेगा। इस ट्रिक से यदि आप इन क्वेश्चन को करते हैं तो एग्जाम में आपको 40 सेकेंड मिलता है, प्री में, मेन्स में तो उससे भी ज़्यादा मिलता है, लेकिन इन ट्रिक्स को अप्लाई करके केवल 4 सेकेंड में इन क्वेश्चंस का बिल्कुल सही आंसर आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, यहां से इस सेंटेंस को आप पढ़ें तो यहां पर ये स्लिप जो वर्ड होगा ये सही निकलेगा, व्हेन शी वॉज क्लोज इनफ टू द हाउस शी रेन टू द कोर्टयार्ड एंड स्लिप्ड इन थ्रू द बैक डोर। मतलब जब वो हाउस के नजदीक थी तो वो कोर्टयार्ड की तरफ गई, कोर्टयार्ड हम बोलते हैं जैसे आंगन होता है हमारे घर में, वो आंगन तक दौड़ी और बैक डोर से वहां पर घुस गई। स्लिप्ड इन मतलब वहां पर एंटर किया उसने बैक डोर से। और यहां पर भी हम रेशो की बात कर रहे हैं, तो रेशो हैज स्लिप्ड बिलो द हिस्टोरिकल एवरेज, जो हिस्टोरिकल एवरेज है उससे नीचे रेशो चला गया है, ठीक है। तो यहां पर स्लिप आंसर होगा। तो इस तरीके से जब लॉजिक को अप्लाई करके करेंगे आप क्वेश्चंस को, तो ना केवल आपका क्वेश्चन सही होगा बल्कि आपका, आपकी एक्यूरेसी भी, आपका टाइम भी काफी इसमें बचेगा। तो अभी काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं, जैसे LIC क्लर्क का है, IBPS क्लर्क है, IBPS PO1 SO के एग्जाम्स हैं, इन सभी के लिए मैंने एक पेड कोर्स ऑफर क्रिएट किया है। इसमें आप 50% ऑफ पर, यानी केवल 1450 रुपये में 1 साल तक LIC क्लर्क, IBPS क्लर्क और IBPS PO के पेड कोर्सेज के थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें 2 कोर्स आपको मिलेंगे 1 साल के लिए। तो ये कोर्स, इस ऑफर को मैंने अभी एक्सटेंड कर दिया है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से मेरे पेड कोर्सेज को बहुत ही कम प्राइस में टॉप क्लास कंटेंट के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहां से इस ऑफर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर मैंने आज के लिए एक्सटेंड कर दिया है। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द सेल बायर्स कैन
बायर्स, देखिए यहां पर दिया है बायर्स और यहां पर दिया है एक्साइटिंग ऑफर। कुछ जब आप खरीदते हैं, देखिए एक तरफ दिया है बायर, एक तरफ दिया है एक्साइटिंग ऑफर्स। तो बायर्स का यानी खरीदने वाले का एक्साइटिंग ऑफर्स यानी अच्छे ऑफर्स के साथ क्या संबंध हो सकता है? आप खुद आप लॉजिक लगाइए। इस पूरे सेंटेंस को आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ते हैं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा खराब होगा। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसको पढ़ें नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ, वे ये मैं यहाँ पर आपको सिलेक्शन की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि किस तरीके से रैंकर्स क्वेश्चंस को करते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ। बायर्स का एक्साइटिंग ऑफर के साथ क्या संबंध है? बायर्स एक्साइटिंग ऑफर को लेना चाहता है, वो उसका फायदा उठाना चाहता है, ठीक है? तो फायदा उठाने से रिलेटेड एक वर्ड चाहिए। अब वर्ड कैसा चाहिए? कैन लगा हुआ है यहाँ पर। कैन के साथ क्या आता है? कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कैन गो, कैन टीच, कैन लर्न, कैन गिव। कैन के साथ क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी यहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें है अवेल। देखिए फिकल मैंने भी आपको बताया था एडजेक्टिव है। अपोर्शन का मतलब होता है डिवाइड करना, यानी ये नाउन है। प्रूडेंट एक एडजेक्टिव है। अवेल एक वर्ब भी है और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर सही है। अवेल का मतलब क्या होता है? फायदा उठाना। तो यहाँ पर अवेल आएगा। अब देखिए आप यदि काउंट करें तो 3 या 4 सेकंड में मैंने इसका आंसर निकाल दिया, और ये रियल क्वेश्चंस में आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जब अवेल सही है तो अवेल यहाँ पर भी सही हो जाएगा। एम्प्लॉयज शुड अवेल देमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयज को जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनका फायदा उठाना चाहिए। तो अवेल यहां पर भी सही हो जाएगा और यहां पर भी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से अवेल इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को करना है प्री में भी और मेंस में भी। देखिए द स्टैच्यू ऑफ, यहां पर तो केवल लिबर्टी ही आ सकता है क्योंकि यहां पर न्यूयॉर्क में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसकी इसमें बात हो रही है, ठीक है? आई टुक द लिबर्टी, ये एक फ्रेज होता है। आई टुक द लिबर्टी मतलब मैंने उस चीज को अपनाया, मैंने उस चीज को, आई टुक द लिबर्टी ऑफ यूजिंग द डिक्शनरी वाइल यू वर आउट ऑफ द रूम। मतलब मैंने, जब आप बाहर थे रूम से बाहर, तो आई टुक द लिबर्टी ऑफ यूजिंग द डिक्शनरी, मैंने उसको उसको एडेप्ट किया, मैंने उसको अपनाया, और मुझे उसके लिए किसी किसी व्यक्ति से पूछने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पर भी एक्चुअली लिबर्टी आ जाएगा, यहाँ पर भी लिबर्टी आ जाएगा। अब देखिए द स्टैच्यू ऑफ वॉट, यानी यहाँ पर आपको नाउन चाहिए और लिबर्टी एक नाउन है। आई टुक, देखिए यहाँ पर ऑफ लगा है तो ऑफ के बाद हम नाउन ही यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर आर्टिकल द लगा है तो यहाँ पर हम नाउन ही लगा सकते हैं, और लिबर्टी इसमें नाउन है, ठीक है? तो ऐसे इन क्वेश्चंस को करना है आपको। रिलेक्टेंट का मतलब अनविलिंग होता है। डेम्पर, डेम्पन एक होता है, डेम्पन का मतलब शांत करना। अलेइंग का मतलब भी शांत करना होता है। तो यहाँ पर लिबर्टी आपका सही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शी ऑल्सो क्लेम टू हैव ऑप्टेंड आ, आर्टिकल लगा हुआ है। आर्टिकल हम किससे पहले लगाते हैं? नाउन से पहले, यानी यहाँ पर आपको नाउन चाहिए, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर लगा है डू नॉट, तो यहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, यानी यहाँ पर आपको एक ऐसा वर्ड चाहिए जो नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है और वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है। और ऐसा वर्ड है इसमें परमिट। परमिट जैसे जैसे लाइसेंस होता है नाउन है, परमिट भी नाउन ही होता है। तो परमिट को हम वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं, नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं। तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर परमिट आ जाएगा, और यहां पर परमिट एक्चुअली नाउन फॉर्म में आ जाएगा यहां पर, और यहां पर परमिट वर्ब फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा परमिट। देखिए मैं क्वेश्चंस को पढ़ भी नहीं रहा हूं और मैं सही आंसर आपको निकाल के बता रहा हूं, बिल्कुल सही और बहुत कम टाइम में। और यही है असली टेक्निक जिसको आपको अप्लाई करना है एग्जाम में, और ये आती है प्रैक्टिस से। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। टेस्ट सीरीज भी जब आप करें तो इसी 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 टेक्निक से आपको टेस्ट सीरीज को करना है, और टेस्ट सीरीज आप जरूर करें और उसको एनालिसिस उसका जरूर होना चाहिए। देखिए यहां से मैं पढ़ता हूँ। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स हैव ए टेनर ऑफ 8 ईयर्स। टेनर का मतलब होता है समय सीमा, ठीक है? नो कैपिटल गेन टैक्स इज एप्लीकेबल इफ हेल्ड टिल मेच्योरिटी और इन अदर वर्ड्स एनी कैपिटल गेन अराइजिंग एट द टाइम ऑफ आर टैक्स फ्री। देखिए यहाँ पर हम बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं कि जब बॉन्ड्स हमने ले लिए और जब उसकी मैच्योरिटी पूरी हो जाती है, जैसे एफडी की मैच्योरिटी पूरी हो जाती है, तो हम उसको क्या कराते हैं? हम उसको इन कैश कराते हैं। तो एनी कैपिटल गेन्स अराइजिंग एट द टाइम ऑफ इन कैश, जब हम उसको इन कैश कराते हैं, तो इन कैश का इक्विवेलेंट वर्ड यहाँ पर चाहिए, और इन कैश का जो इक्विवेलेंट वर्ड है वो है रिडेम्पशन। रिडीम हम उसको कराते हैं,
जैसे आपके पास FD है या आपके पास बॉन्ड्स हैं, आपके पास शेयर्स हैं, जब आप उसको बेचते हैं और उसको इनकैश कराते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड रिडेम्पशन, ठीक है। और रिडेम्पशन यहाँ पर आएगा, और जब फर्स्ट में ये सही है तो सेकेंड में अपने आप सही हो जाएगा। रिडेम्पशन का मतलब पापों से मुक्ति भी होता है, पाप से मुक्ति करना, ठीक है। रिडेम्पशन यहाँ पर सही वर्ड आपका होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई वॉज प्लीज्ड विद द ओवरऑल रिस्पॉन्स एंड आई थिंक वी कलेक्टिवली फेल्ट आ, यहाँ पर आ लगा हुआ है तो यहाँ पर आपको एक नाउन चाहिए। अब नाउन क्या है? प्रूडेंट तो एडजेक्टिव है, अपेरेंट एडजेक्टिव है, स्ट्राइडेंट का मतलब था शोरगुल या बहुत ज़्यादा शोरगुल करने वाला, मॉडिकम इसमें नाउन है, ठीक है। तो मॉडिकम ऑफ रिलीफ मतलब हमें थोड़ा सा रिलीफ मिला, मॉडिकम मतलब होता है थोड़ी सी क्वांटिटी। अफोर्डिंग आ यहाँ पर भी आ लगा है तो यहाँ पर भी मॉडिकम आ सकता है, ठीक है। तो मॉडिकम इसमें सही आंसर होगा। ये देखिए फास्टेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इन क्वेश्चंस को करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आई एम फीलिंग एबनॉर्मली पेसिमिस्टिक अबाउट द एब्जर्ड लैक ऑफ, लैक ऑफ यहाँ पर भी आपको नाउन चाहिए, लैक ऑफ वॉट, लैक ऑफ समथिंग, और समथिंग होता है नाउन, तो यहाँ पर आपको नाउन चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको नाउन चाहिए, लैक ऑफ नहीं, लेकिन यहाँ पर नाउन दिया है लीडरशिप, यहाँ पर नाउन दिया है और यहाँ पर भी नाउन दिया है रिफॉर्म्स, ठीक है। देखिए समझने की कोशिश करिए, लीडरशिप नाउन है और यहाँ पर रिफॉर्म नाउन है, तो नाउन से पहले हम क्या लगाएंगे? नाउन को मॉडिफाई जो करता है वो करता है एडजेक्टिव, यानी किस तरह के रिफॉर्म्स की बात हो रही है यहाँ पर और किस तरह की लीडरशिप की बात हो रही है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए इसमें रिएटरेट का मतलब बार बार कहना, यानी ये वर्ब है। रिप्रीव मतलब कैंसिल करना, यानी ये वर्ब है। मीगर मतलब थोड़ा सा, यानी ये एडजेक्टिव है। लेकिन मीगर लीडरशिप हम नहीं बोल सकते या मीगर रिफॉर्म नहीं बोल सकते। जैसे नीति आयोग हैज प्रेस्ड फॉर मीगर रिफॉर्म, मतलब नीति आयोग ने बोला है कि मीगर रिफॉर्म को हम अप्लाई करें। रिफॉर्म कभी मीगर नहीं होते, मीगर तो क्वांटिटी के साथ आता है। सब्सटेंसिव रिफॉर्म होते हैं, सब्सटेंसिव का मतलब होता है कि जो रियलिटी पर बेस्ड है। यहाँ पर सब्सटेंसिव, सब्सटेंसिएट भी होता है एक्चुअली, सब्सटेंसिव हैविंग ए फर्म बेसिस इन रियलिटी एंड सो इम्पोर्टेंट, यहाँ पर दिया है। मीगर का मतलब होता है लैकिंग इन क्वांटिटी और क्वालिटी। रिप्रीव का मतलब होता है कैंसिल करना, तो यहाँ पर मैंने ये सारे वर्ड्स भी दिए हैं, ठीक है। तो सब्सटेंसिव इसमें आपका सही आंसर होगा। थोड़ा सा मैंने कॉन्टेक्स्ट लगाया, थोड़ा सा मीनिंग्स को यहाँ पर अप्लाई किया और आंसर बिल्कुल सही निकल के सामने आ गया। यदि इस टेक्निक से क्वेश्चंस को करते हैं आप प्री और मेंस में, तो फास्टेस्ट तरीका है ये, हाई स्कोर आप कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ, और यही रिक्वायरमेंट होती है एग्जामिनेशन की। अब देखिए यहां पर देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑन संडे वुड ब्रिंग टू एन एंड द ईयर ओल्ड बिटवीन IOA and IOC, इसी डिस्प्यूट की इसमें बात हो रही है, क्योंकि डिस्प्यूट या लड़ाई झगड़ा दो लोगों के बीच में ही हो सकता है, ठीक है। तो डिस्प्यूट से रिलेटेड एक वर्ड चाहिए, और एंड द ईयर ओल्ड यहाँ पे नाउन आएगा, ठीक है। श्रीलंका डिस्प्यूटेड प्राइम मिनिस्टर महेंद्र राजपक्ष रिजाइंड ऑन सैटरडे सेइंग ही वांट टू एंड पॉलिटिकल वॉट, तो यहाँ पर भी आपको नाउन चाहिए, पॉलिटिकल रिफॉर्म या कुछ भी नाउन चाहिए यहाँ पर भी आपको नाउन चाहिए। अब यहाँ पर किसी चीज़ के एंड करने की बात हो रही है, किस चीज़ को हम एंड करना चाहेंगे जो कि पॉलिटिकल हो, तो यहाँ पर सही जो वर्ड होगा वो होगा इम्पास। इम्पास का मतलब होता है एक डेड लॉक। जैसे दो पार्टीज हैं, ठीक है, दो पार्टी अपने आपस का जो झगड़ा है, डिस्प्यूट है, उसको सुलझाना चाहती हैं, लेकिन वो सुलझ नहीं पा रहा है। वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि कोई भी पार्टी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही है। अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, एक डेड लॉक जिसको हम बोलते हैं, या इम्पास जिसको हम बोलते हैं। तो इम्पास यहाँ पर सही वर्ड होगा, पॉलिटिकल इम्पास हम बोल सकते हैं, और एंड द ईयर ओल्ड इम्पास, इम्पास यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चंस को करना है। यहाँ पर मैंने वर्ड मीनिंग्स भी दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है। दो फाइनेंशियली रिचर शी इज इमोशनली यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि ये एडवर्ब है। इमोशनली, एल वाई वाले जो वर्ड होते हैं
ये एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब के बगल में एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब के बगल में यहाँ पर क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। और सेइंग द मूवी इज, यहाँ पर भी आपको एक नाउन चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इमोशनली एडवर्सिटी तो बोल नहीं सकते, इमोशनली प्रोटेक्टस बोल नहीं सकते, इमोशनली एब्ज्यूर बोल नहीं सकते। इमोशन एब्ज्यूर का मतलब होता है अबेंडन, छोड़ना, त्यागना, रिनाउंस कहते हैं इसको हम, इसको हम फोर स्वेयर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सही होगा बिरेफ्ट, ठीक है। बिरेफ्ट का मतलब होता है डिप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग समथिंग, ठीक है। इमोशनली बिरेफ्ट, बिरेफ्ट का मतलब होता है किसी चीज़ से वंचित हो जाना, या जैसे किसी व्यक्ति का कोई नियर एंड डियर, कोई खास उसकी डेथ हो गई या वो मर गया, तो इमोशनली बिरेफ्ट हो जाएगा, वंचित हो जाएगा, ठीक है। तो बिरेफ्ट यहाँ पर सही वर्ड है। और द मूवी इज बिरेफ्ट ऑफ लॉजिक, मतलब मूवी के अंदर लॉजिक नहीं है, वो उससे वंचित है। और इमोशनली बिरेफ्ट यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं, यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं, बिरेफ्ट इसमें सही वर्ड आपका होगा। देखिए ये कॉलम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, और कॉलम बेस्ड क्वेश्चन सभी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, कॉलम वन दिया है यहाँ पर, यहाँ पर कॉलम टू दिया है। कॉलम वन में तीन सेंटेंसेस हैं, कॉलम टू में तीन सेंटेंसेस हैं। मिक्स एंड मैच करके इनमें प्रॉपर सेंटेंसेस बनाने हैं जो ग्रामेटिकली करेक्ट हों, कंटेक्चुअली करेक्ट हों। तो कौन कौन से कॉलम ए में से कौन कौन से पेयर बन सकते हैं, कॉलम टू में से कौन कौन से पेयर बन सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। पेट्रोकेमिकल्स इज अनदर एरिया दैट दैट अमेरिकन कंपनीज हैव लुकिंग एट, नहीं होगा, आर लुकिंग एट होगा, तो ये तो बनेगा नहीं। रशिया इनविजन्स पोटेंशियल थ्रेट टू द करेंट बैलेंस ऑफ पावर इन यूरेशिया, मतलब इसका मतलब ये है कि रशिया इनविजन करता है, रशिया ने ये देख लिया है कि क्या थ्रेट हो सकती है, क्या खतरा हो सकता है करेंट बैलेंस ऑफ पावर इन यूरेशिया, यूरेशिया में जो बैलेंस ऑफ पावर है उसका क्या खतरा हो सकता है, ठीक है। उसको उस चीज़ को रशिया ने देख लिया है। तो डेफिनेटली बी और ई, बी ई का कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेकिन बी ई यहाँ पर भी दिया है और यहाँ पर भी दिया है, यानी आपको सी एफ को भी लगा के देखना पड़ेगा कि ये सही हो रहा है कि नहीं। द रिसेंट अपॉइंटमेंट ऑफ फाइव गवर्नर्स बाय द हुम, बाय द प्रेसिडेंट, बाय द प्रेसिडेंट मस्ट बी व्यूड विद द ग्रेव स्केप्टिसिज्म, मतलब अभी जो अपॉइंटमेंट हुए हैं फाइव गवर्नर्स के जिनको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, मस्ट बी व्यूड विद ग्रेव स्केप्टिसिज्म, मतलब इन सारे अपॉइंटमेंट्स को एक डाउट की नज़र से देखा जाना चाहिए। स्केप्टिसिज्म होता है डाउटफुलनेस, और ग्रेव मतलब होता है सीरियस। तो डेफिनेटली इसमें आंसर होगा आपका सी एफ, सी एफ एंड बी ई, यानी सी एफ का भी बन रहा है और बी ई का भी कॉम्बिनेशन इसमें बन रहा है। तो ये आंसर इसमें आपका सही होगा, ए इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दिस रीइग्नाइट्स द डिबेट अराउंड द ऑफिस ऑफ, ऑफिस की बात हो रही है तो ऑफिस किसका हो सकता है, गवर्नर का हो सकता है। तो यहां पर ए और एफ का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ए एफ इसमें दिया है, ए एफ इसमें दिया है, हाँ इसमें डेफिनेटली ए एफ ही होगा, बाकी नहीं होंगे क्योंकि यहां पर ए एफ नहीं दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आ चैलेंज टू सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, नहीं इससे नहीं बन रहा। इसरो ओनली नीड्स टू एक्सप्लेन इट्स सेट बैक्स, नॉट हाइड देम विद द सेलोफेन ऑफ नेशनल प्राइड, इसका बन रहा है। एक्चुअली इसमें चंद्रयान 2 का कॉन्टेक्स्ट है, उसके सेंस में बात हो रही है। एक्चुअली इसरो ओनली नीड्स टू एक्सप्लेन इट्स सेट बैक नॉट हाइड देम, इसरो को अपने सेट बैक्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नेशनल प्राइड का ही विषय है। बी ई का कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेकिन बी ई इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, यानी आपको सी एफ का भी देखना पड़ेगा। वाइल दैट मे बी ए डेटेड कोट द ऑपरेशन हैड बीन एन इमोशनल एक्सपीरियंस, ये सही है ग्रामेटिकली, ये सही है सी एफ, यानी सी एफ और बी ई का इसमें एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। थोड़ा सा रीडिंग यदि आप स्टूडेंट्स करें तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आएंगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हम देखते हैं, वाइल ही इज द किंग ऑफ क्ले एंड क्वाइट अडॉप्ट अडेप्ट ऑन के साथ ग्रास ही आ सकता है इसमें,
यानी ए और ई, ए ई इसमें है, यहाँ पर नहीं है। हाँ ये सही है, ए और ई सही है इसमें। ए ई का ऑप्शन दिया है, ए ई का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर ये नहीं होगा। इसमें जो लॉन टेनिस होता है, किंग ऑफ क्ले का मतलब होता है जो क्ले पे जो लोग टेनिस खेलते हैं, और एक होता है एक्रेलिक, जो कोर्ट बना होता है वो क्ले का बना होता है, ठीक है, उसकी इसमें बात हो रही है। तो ए ई सही है इसमें आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसमें 13 क्वेश्चंस दिए हैं, और आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। और यदि आप देखिए, इस समय काफ़ी बैंकिंग के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इसलिए मैंने एक पेड कोर्स में मैंने एक ऑफ़र निकाला हुआ है, इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाएं। इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। इसमें बैंक पीओ का पूरा कोर्स 1 साल के लिए, बैंक क्लर्क का पूरा कोर्स 1 साल के लिए, LIC क्लर्क की पूरी तैयारी 1 साल के लिए आप केवल और केवल 1450 रुपये में कर सकते हैं। वैसे ये कोर्स 2950 का है, लेकिन 50% ऑफ में इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको इंग्लिश सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो मैं आपसे स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि इस कोर्स को ज्वाइन करें और गवर्नमेंट जॉब आप सुनिश्चित कर सकते हैं। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो मुझसे इन नंबर्स पर बात कर सकते हैं। इस ऑफ़र का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगा, वहाँ से इस ऑफ़र को डिस्काउंट कोड डाल के आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।